जलियांवाला बाग हत्याकांड के 104 बरस पूरे हो चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 ये वो तारीख है जिसे याद करने भर से देश सिहर उठता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के खून से खून की होली खेली थी। 104 बरस बीत जाने के बाद भी वो दिन भुलाए नहीं भूलता। ये अंग्रेजों पर लगा वो खूनी दाग है जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि कुछ दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। उस दौर में महात्मा गांधी की कॉल पर पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। 6 अप्रैल को अमृतसर में एक बड़ी जनसभा हुई, जिससे बौखलाकर पंजाब पुलिस प्रशासन ने आजादी के आंदोलन के दो बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जिससे अमृतसर के लोग गुस्से से भर गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आजादी के मतवाले अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हो रहे थे। जैसे उस दिन अमृतसर की हर गली हर सड़क जलियांवाला बाग की ओर ही जा रही थी। जलियांवाला बाग में 15,000 लोगों की जनसभा शुरू हो चुकी थी। ये सब देखकर पहले से तिलमिलाया ब्रिटिश हुकूमत और तमतमा गया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर कुछ कर जाना चाहता था। उसके सिर पर खूनी जुनून सवार था। उसके आदेश पर पुलिस बल ने जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लिया। उस बाग में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही संकरा सा रास्ता था। बड़ी संख्या में लोग वहां जमा तो हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को चारों तरफ से तनी हुई राइफलों से घिरा पाया। उस दिन वहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी थे। सभा अभी चल ही रही थी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जनरल डायर ने बंदूकों को आग उगलने का आदेश दे दिया। तड़ातड़ गोलियां बरसने लगी। कई गोलियों का निशाना छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बने। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस दिन वहां पूरे 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। ये इतनी गोलियां होती हैं जितने बदमाशों, चोर, लुटेरों और डाकुओं से मुठभेड़ में भी नहीं चलाई जाती। लेकिन उस दिन कसाई बने जनरल डायर ने निहत्थों को अपनी सनक का शिकार बनाया। बरसती गोलियों से बचने के लिए बहुत से लोग दीवारें फांदने की कोशिश करने लगे। कुछ ने तो बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें बाग में ही मौजूद एक कुएं के अंदर फेंक दिया। ऊपर से और सैकड़ों लोग कुएं में कूदे और बहुत से उसमें कुचले जाने, पानी में डूबने और दम घुटने की वजह से भी मारे गए। मौत के इस तांडव के कुछ ही देर बाद पूरा जलियांवाला बाग खून से सना था। इस नरसंहार में पूरे 379 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ कटी फटी लाशों से खून की पिचकारियों जैसी धार बह रही थी। वो मंजर देख कोई हैवान भी होता तो भी कांप जाता। वहां पर गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पूरा देश कांप उठा था। इसकी खबर देश में जहां जहां तक पहुंची। कहा जाता है कि मारे गए लोगों के गम में उस शाम लोगों ने घरों के चूल्हे नहीं जलाए। इस पर पूरी दुनिया में अंग्रेजी सरकार की खूब थूथू हुई। लिहाजा अपनी लाज बचाने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन सब ढकोसला साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जनरल डायर को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।